अब हम चलते हैं छत की तरफ। बहुत गर्मी है आज। इस तरीके का जाल जो आपको दिख रहा है हमारे डोर पे लगा हुआ है, वैसा जाल हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इस विंडो पे भी लगा दें और ये इसको पूरा कवर करें ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि थोड़ी सेफ्टी पॉइंट भी इससे ये बन जाएगा। काम करते करते बिल्कुल रात हो गई है ऐसा लग रहा है। इस वक्त टाइम जो हो रहा है 7:45 हो रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इन लोगों ने कितना काम कर दिया है और अभी भी लगे हुए हैं। गर्मी में सबका बेहाल हो रखा है कि शेड वाले भी काम नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उनको भी एक दो घंटा या 3-4 घंटे का फिलहाल वो एक दिन की छुट्टी मार गए और अब काम करने के लिए आए हैं। तो फटाफट से मैं दिखाता हूँ इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। तो ये दरवाज़ा लगाने के लिए पूरी वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा लगेगा वो वाला। ये दरवाज़ा इधर भी खुलेगा और यही दरवाज़ा इस साइड भी बंद होगा। तो गाइस फाइनली ये एरिया हमने लॉक कर दिया है, पर्सनलाइज कर दिया, यहाँ पर ये डोर लग गया है। अब इसको पेंट कराना पड़ेगा और यहाँ पर हम साफ़ सफाई करा के यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर कोई बैठना चाहे, अदरवाइज़ क्लीन रहेगा। गमले रख दिए उतना ही काफ़ी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये डोर जो है वो इस तरफ भी काम करेगा और अगर आप यहाँ बैठे हो और छोटा बच्चा भी साथ में है तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उधर जा सकते हैं, लेकिन ये लॉक कर लिया मैंने। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सो अभी क्योंकि जनरल पासेज है, ये गवर्नमेंट की लैडर है यहाँ, तो अभी हम इसको इस तरफ ही बंद रखेंगे। और वैसे भी कोई खोलना चाहता है तो वो ऊपर से हाथ डाल के खोल सकता है। अब अगली बारी है इस सीढ़ी की जो कि सेंटर में लगनी है। थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है कुछ पकड़ने के लिए अगर होता है तो ये जो है ये लगाएंगे हम सेंटर में। तो एक बार ये सेंटर में लग जाए फिर उसके बाद छोटे मोटे काम है, ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं क्या काम कर रहे हैं। बड़ा ले
काफ़ी रिस्की काम मुझे लग रहा है, जो ऊपर से बंदा पूरा बांध के इसने शेड को नीचे की तरफ छोड़ा है और एक बंदा नीचे से विंडो की जो ग्रिल होती है लोहे की, वो ग्रिल खोलनी पड़ती है, वो लोहे की ग्रिल खोल के उसके बाद ये चढ़ा है। सो फाइनली ये वाला काम भी हो गया। अब ये देखिए, अब सीढ़ी का नंबर है। हेलो एवरीवन, एक और नए दिन की शुरुआत। और फिलहाल जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ बन नहीं पाई या हो नहीं पाया काम, तो आगे अब मैं सारा काम खुद करा रहा हूँ। फिलहाल ये वॉलपेपर फाड़ दिया है इन्होंने,